ओके हेलो एम एस सी हेलो एवरी वन वेकम बैक टू माई चैनल तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे देखो लेक्चर नंबर फिफ्थ चल रहा है हमारी यूनिट चल रही थी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ मेके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इस पे हमने लेक्चर नंबर फिफ्थ में पहुंच गया जिस पे हमने आज बात करनी है इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स ओके okay, तो आज के लेक्चर पे देखते हैं इनर्ट एंड कॉम्प्लेक्स होते क्या ओके okay, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी बस आपने थोड़ी देर चीजों को ध्यान से सुनना है ठीक है स्टार्ट करते हैं लेक्चर को देखिए मैंने ना एक चीज मैं आपको पहले बता दू मैंने आपके पहले भी बोला था कि आपके सारे टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगी बट मैं टॉपिक्स को आगे पीछे करके अरेंज करके पढ़ा रही हूँ ठीक है तो उसका रीजन क्या है आप यहां देख सकते हैं अगर आपने देखो इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ लिया होता और लिगिन जैसे आपके में बाद, है, अगर वो बाद में पढ़ते इसे पहले पढ़ते थे आपको कुछ समझ में नहीं आता क्यों? किसके बेसिस पे आप पता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कैसे ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स है इनर्ट एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है लेबाइल एक टाइप का कॉम्प्लेक्स है ओके तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स अगर उसमें अगर आपको रेट ऑफ लिगिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर उस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आप लिगिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन निकालेंगे और देन उसका अगर रेट निकाले अगर वो रेट बहुत ज्यादा निकलेगा उस कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं okay, तो है, है? किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आपने जब उसका रेट कैलकुलेट किया और रेट आपको क्या निकला बहुत ज्यादा यानी कि आपकी जो रिएक्शन है कि आपका जो लिगिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए बहुत ज्यादा आ रहा है यानी कि उसकी रेट बहुत ज्यादा आ रही बहुत सिंपली वो लिगिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन

अब अगला टर्म है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होगा इनर्ट मतलब क्या होता है आपकी नोबल गैस इनर्ट होती है इनर्ट मतलब कि जो ज्यादा रिएक्टिव ना हो तो वही चीज है

क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है लो रिएक्टिविटी को शो कर रहा है इनर्ट कॉम्प्लेक्स लो रिएक्टिविटी शो करेगा जिसकी वजह से लिगन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो सही बट आपका रेट जो होगा वो काफी कम होगा जिसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है इनर्ट कॉम्प्लेक्स है और ये प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो लिगन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सो तो करता है बट उसका रेट काफी कम होता है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्टनेस समझ में है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लेबिलिटी और इनर्टनेस ये दोनों क्या है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट रहता है इनर्टनेस मतलब कि अनरिएक्टिव

दो टाइप में देखेंगे दो टाइप में मतलब देखो आपको पता है वीबीटी भी एक चोरी थी जिसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात की थी और सी एफ टी भी एक थ्योरी थी जिसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात की थी तो हम लोग क्या करेंगे करती है और किन कॉम्प्लेक्स को इनर्ट कंसिडर करती है ओके तो देखो स्टार्ट करते हैं वीबीटी से ठीक है तो देखो आपको यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना वो हम लोग पर्टिकुलरली ऑक्ट्रा मतलब की यहां पर जो हम लोग लेबाइल लो और इनर्ट

मेटल कॉम्प्लेक्स को दो टाइप के क्लासेस में क्लासिफाई किया कौन कौन सी क्लासेस है एक है आपकी आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स एक है ऑर्बिट okay? कॉम्प्लेक्स हो तो जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एस पी थ्री डी टू ओके अब देखो इनके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है कैसे देखो तो ऐसा होता है अगर आपको मैं यहाँ पर को ऐसे करके दिखाती हूँ ठीक है देखो आपका क्या है आपका हाइब्रिडाइजेशन मैंने बोला एसपी थ्री ओके तो आप SP3D2 अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है तो आपकी ऑर्बिटल कैसे होंगे देखिए एक आपके पास s ऑर्बिटल होगा एक आपके पास पी ऑर्बिटल होगा और एक आपके पास क्या होगा डी ऑर्बिटल होगा होगा ना देखो और देखो एक और चीज आपको पता होनी चाहिए इस एस के आगे भी तो और ऑर्बिटल भी तो होंगे समझ पा रहा भी ऑर्बिटल होंगे सिमिलरली एस से पहले भी ऑर्बिटल होंगे और एस से पहले जो ऑर्बिटल होता है वो होता है डी ऑर्बिटल ओके इसके आगे कौन सा ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल ओके अब देखो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन किया अगर मैं बोल रही हूँ इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है इट मीन आप एक एस ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं तीन पी ऑर्बिट का और दो डी का तो इससे अगर ये आपके ये सारे ऑर्बिट आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो उस केस में आप क्या बोलते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन है एसपी थ्री डी टू क्यों एक आपका एस ऑर्बिट है तीन आपके पी हैं और दो आपके डी हैं तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ एसपी थ्री डी टू ओके लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है वो नाम क्या होता है इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं क्योंकि देखो आपका दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेंगे एक होता है SP3, D2, एक होता 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 है 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 आपका अब क्या क्या मैंने आपको क्या बोला s ऑर्बिट के आगे भी आपका एक d ऑर्बिट होता है लेकिन अगर इस d ऑर्बिट को आपने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर लिया मतलब कि आपने क्या किया इस ऑर्बिट को तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं किया इस ऑर्बिट को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व किया यानी कि आपका ये P ये ऑर्बिट ऑर्बिट है, है, लेकिन दो डी ऑर्बिट यहां से आए हैं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है एस से स्टार्ट नहीं होगा कहां से स्टार्ट होगा डी से तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया डी टू एस पी थ्री समझ में आया ये बन गया अब देखो आपका हाइब्रिडाइजेशन दोनों ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री देंगे क्योंकि यहां पर को क्या sp3d2 किसके लिए होता है ऑक्ट्रा ये ये भी है, ये भी है, है, लेकिन ये दोनों अलग अलग टाइप के बिहेवियर शो करेंगे यानी कि इसे आप क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर मतलब अंदर की ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स अगर बनाओगे लेकिन अगर आप बाहर के ऑर्बिटल की बात हैं तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी बोलेंगे sp3d2 और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स समझ में इतनी चीज इनर और आउटर की बात तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन आपके होते हैं sp3d2 और दूसरा होता है dsp3 ओके dsp2 ओके d2 sp3 ओके ये हो गया समझ में आया अब देखो अब देखो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स तो हो गए ठीक है अब vbt किसको अलेबाइल और किसको इनर्ट कंसीडर करती है तो अकॉर्डिंग टू देख लेता है यहां पर क्या बोल रहा है वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आपके कॉम्प्लेक्स अगर आपको कॉम्प्लेक्स आपको कोई भी ऑक्ट्राइडल मिल रहा है मैंने बोला कि ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स आपके दो फॉर्म में हो सकता है मे बी आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स हो बी इनर ऑर्बिट

बाइल नेचर का होगा यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा इसका मतलब क्या अगर आप उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कराएंगे तो वो क्या करेगा बहुत अच्छी रेट में बहुत जल्दी-जल्दी क्या है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा समझ में अब इसका रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि वैलेंस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपाउंड आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर अगर आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो कराता है उस केस में जो आपके कॉम्प्लेक्स होता है उनके जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीकर होते हैं अब आपको पता है अगर बॉन्ड वीकर होंगे बॉन्ड आपकी आसानी से टूट जा रहे हैं इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने में तो टाइम लेता है ना अगर आपको रिएक्शन करानी है तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड जोड़ना होगा अगर बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जा रहे है तो सी बात है कि रिएक्शन क्या है बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होगी अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कौन से बॉन्ड की बात कर रही हूँ ओके जब आपने मेटल से लिगिन को तोड़ना है लिगिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी आपका कॉम्प्लेक्स है ऑक्ट्राइडन

स्लो रेट ऑफ रिएक्शन दिखाते हो ऐसा ही तो होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता देखो आपके जो इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, है ओके तो वो 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 कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आपके आपके दोनों टाइप के हो 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 सकते हैं मे मे बी बी इनर्ट ठीक है तो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है कॉम्प्लेक्स का डी टू एसपी थ्री है उस केस में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो मे बी इनर्ट नेचर का भी हो सकता है मे बी लेबाइल नेचर का भी हो सकता है तो इसे चेक कैसे करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट है कौन सा लेबाइल है तो उसे चेक करने के लिए आपने क्या करना है ये बोल रहा है अगर आप चाहते हो कि कि आपका कॉम्प्लेक्स का हो, हो यानी लेबिलिटी को शो करे, it means क्या ना उसका D orbit, D पता है ये क्या होता है, है ये एक ऑर्बिट क्या होता है डी एक्स वाई दूसरा होता है डीवाइजेड तीसरा होता है डीजेड एक्स ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लास्ट वाला क्या होता है डीजेड स्क्वायर ओके तो ये बोल रहा है अगर आपके ये ऑर्बिट जो आपकी ऑर्बिट है जिसका नाम क्या होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स अगर ये आपको एम मिले खाली मिले ठीक है तो उस केस में आप समझ लेना कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है लेबाइल तो होगी अगर आपके ये ऑर्बिट उस चाहे उसका डी टू एसपी थ्री क्यों ना हो उसका वो जो कॉम्प्लेक्स है उसका बिहेवियर लेबाइल नेचर का होगा लेकिन अगर आपके ऑर्बिट जो है आपके डी ऑर्बिटर के जो ऑर्बिट है वो अगर आपकी फील्ड है उसमें एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन भी होगा उस केस में आप सोच लेना कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर्ट कैरेक्टर का है यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बहुत स्लो दिखाएगा किसकी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की समझ में बहुत सिंपल है ठीक है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे है ना तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया से समझ पा रहा होगा समझ में आए ना तो यही होता है तो आपने क्या करना है बीबीटी के अकॉर्डिंग ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है लेबाइल है या फिर नहीं है समझ पाया ओके okay, तो ये देखो इसका एक एग्जांपल भी लिखा है फॉर एग्जांपल ऑक्ट्रोहाइड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आप एम के मैगनीज के आयरन के क्रोमियम के क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ऑक्ट्रोहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपको बहुत अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे यानी कि ये कॉम्प्लेक्स का बिहेवियर क्या होता है लेबाइल होता है लेबिलिटी को ये शो करता है इसका मतलब ये बहुत अच्छी रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिखाएंगे समझ में आए तो ये तो हमने चेक कर लिया अकॉर्डिंग टू वीबीटी ओके अब हम आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू सी ठीक है अब मैं बताती हूँ कि कैसे सीएफटी की हेल्प से आपको पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड आपका कौन सा ऑक्ट्रेडेड कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल नेचर का है कौन सा ऑक्टोड कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट नेचर का है ठीक है तो सी के अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा तो थोड़ी देर आप ध्यान से चीजों को सुनना सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे देखो मैं चीजों को सीरीज में तभी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए ठीक है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर पे जब लिगेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको की थी यानी कि लिगेंट सब्सट्यूशन रिएक्शन जब मैंने आपको बताई थी वही मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप लिगेंट सब्सट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो वो सब्सटन रिएक्शन आपका एस रूट भी फॉलो कर सकती है टू रूट भी कर सकती है और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट वाला आप स्किप कर दीजिए दो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है SN1 और टू यानी कि अगर आपने किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो अगर आपने किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो मे बी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 रूट से भी हो सकती है Maybe SN2 से भी हो सकती है आपकी मर्जी ओके okay? अब देखो अब होगा क्या यहां से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, है तो पता करने के लिए आपका एक इंटरमीडिएट इसमें भी बनेगा एक इंटरमीडिएट इसमें भी बनेगा दोनों स्टेप इंटरमीडिएट बनते हैं आपको पता है SN1 वन आप रिएक्शन तो आपकी टू स्टेप रिएक्शन होती है ओके लेकिन पहले स्टेप यहाँ पर जब आप लिगेंड को डिस्प्लेस करते इंटर इंटरमीडिएट बनता है देखो मैं आपको बार बार हर लेक्चर पे ये चीज बता रही हूँ मैं हर बार नहीं दिखा सकती ना। देखो, ये चीज़ तो गलत चीज हो जाएगी रहे मतलब रिएक्शन होती जिसपे पहले स्टेप इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट okay? लेक्चर तो पे भी बोला था कि अगर आप असाइनमेंट रूट को फॉलो करते हैं तो उस केस में जब आपको इंटरमीडिएट बनता है हमेशा ऐसा इंटरमीडिएट होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा

तो उस कॉम कॉम्प्लेक्स का जिसका कंडीशन नंबर सिक्स है अगर वो एक देखो एस के केस में भी आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है और इस इंटरमीडिएट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है सेवन यानी कि हेप्टा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा यानी कि इनिशियली कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स था वो कितने में शिफ्ट हो जाएगा सेवन में ओके okay? तो अब आपने क्या करना है आपने चेक करना है ये जो आपका इंटरमीडिएट बना देखो मैं आपको एग्जाम्पल मैंने डायग्राम भी लिखे हुए हैं ये दोनों जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो बनते हैं एस एन वन के अगर आपने रिएक्शन को एस एन वन रूट से फॉलो करा है तो उस केस में आपको ये दोनों इंटरमीडिएट बनेंगे देखो इंटरमीडिएट सेम है बट डिफरेंस है इनकी ज्योमेट्री का ओके okay? तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिलेंगे इनका कितना है दोनों दोनों के केस आपको 5 ही मिलेगा देखो इसमें तो ये दोनों coordination number वाले ये जो फाइव कोऑर्डिनेशन नंबर वाले इंटरमीडिएट है वो कब फॉर्म होंगे जब आप रिएक्शन एस एन वन रूट से फॉलो कराएंगे लेकिन अगर एस एन टू से फॉलो कराएंगे तो ये इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सेवन तो देख सकते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ओके तो ये बन गया आपके सेवन तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर सेवन तो ये दोनों इंटरमीडिएट आपके फॉर्म होंगे ओके अब इन इंटरमीडिएट का करना क्या है इन in इंटरमीडिएट का आपने करना यह है कि आप इन in इंटरमीडिएट को देख के ही बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स आपका है है या फिर इनर्ट कैसे देखो आपको ये जो इंटरमीडिएट है ना आपको इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जिसे आप बोलते हैं सी एफ एस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी निकालनी होगी ओके और इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो आपका लेबाइल है या फिर इनर्ट है कैसे देखो मैं आपको इन ग्राफ के फॉर्म में देखो एनर्जी डायग्राम हमने बनाया इनके बेसिस पर दिखाती हूँ ठीक है अगर आप बोल रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल है तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आप देख सकते हैं ये बोल रहा है इफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी वैल्यू ऑफ़ फाइव देखो अभी दोनों की बात कर रहे हैं पर रिएक्शन वैल्यू फाइव और सेवन मेंबर इंटरमीडिएट की बहुत ज्यादा है ग्रेटर है ओके ग्रेटर किससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपका ऑप्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स है उसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है उससे ज्यादा अगर आपकी इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी उस केस में आप बोल सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है लेबाइल बिहेवियर शो करेगा यानी कि लेबाइल नेचर का है लेबिलिटी है उस ठीक है तो इसका एनर्जी डायग्राम कैसे होगा आप देख सकते हैं यहां पर को क्या ये तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिखाए हुए यहां पर दिखाए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी और ये इसकी जो नेगेटिविटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यू ये ऊपर को इंक्रीज हो रही है इसका मतलब डायग्राम में क्या दिखा है यहाँ पर को सपोज मैं इसे एरोसिटिक करूं तो यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है यहां पर को आ रहा है आपका इंटरमीडिएट देखो यहां पर आपके इंटरमीडिएट है ये किसका इंटरमीडिएट है ये है एस एन टू का और ये दोनों इंटरमीडिएट किसके आपके एस एन वन के ओके तो इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाई एनर्जी कहां रही यहां रही यहां है अब आप बोलेंगे इसकी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कम होनी चाहिए रिएक्टेंट की ज्यादा होनी चाहिए पर ऐसा नहीं है देखो यहां पर क्या लिखा है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या है ऊपर की ओर नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है यानी कि अगर आप क्रिस्टल फील्ड एनर्जी देख रहे हैं तो बोले जितना ऊपर को आप जा रहे हैं इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ रही है यानी कि अगर आपके अगर आपका कोई नंबर ज्यादा नेगेटिव है सपोज मैं क्या बोलू वन और माइनस टेन इसमें आपका बड़ा नंबर कौन है ऑब्बियसली बात है वन क्योंकि ये क्या है माइनस में तो जितनी ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा तो वो उतना ज्यादा स्मॉलर होगा इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की आपकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या है कम है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टीड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या है कम है तो अगर आपके और इसकी क्या इंटरमीडिएट तो स्टेट की क्रिस्टलफी एनर्जी ज्यादा होगी कंपेरेबल टू अ रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कंपेरिजन में तो उस केस में आप बोलेंगे आपका कॉम्प्लेक्स क्या है लेबाइल नेचर का यहां पर को आप एनर्जी डायग्राम से देख सकते हैं समझ में आए ये चीज का

होगी कंपेरिव टू इंटरमीडिएट के कंपेयर में उस केस में आप बोल सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका इनर टाइप का है तो आप डायग्राम में देखेंगे देखो यहाँ पर है ये आपका रिएक्टेंट है ये है आपका प्रोडक्ट ओके okay? तो देखो वो चीज तो समझ सकते हैं रिएक्टेंट पे देखो नंबर ऑफ क्या है सिक्स यानी कि ये भी एक ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर को एक लिगेट के प्लेस पर क्या है आपका एंट्रिंग ग्रुप आ गया तो यहाँ पर को देखो ये ना कुछ मिस्टेक हो रही है तो ये भी ऐल है ओके okay? तो ये भी आपका ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स है ये बन गया रिएक्टेंट ये हो गया प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट क्या बने ये बने एक दो तीन इंटरमीडिएट है जो की कि ये किसका इंटरमीडिएट है एसन सॉरी ये है SN2 का और ये दोनों किसके इंटरमीडिएट है SN1 के, okay. अब आप देखो इसकी क्रिस्टल फ्रीडेबलाइजिंग एनर्जी यहाँ है इसकी यहाँ है इसका मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है ये कम नेगेटिव है अब मैंने आपको क्या बोला जो ज्यादा नेगेटिव वो छोटी इसका मतलब इनकी क्रिस्टल फ्रीड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या है इंटरमीडिएट की वेट कीजिएगा इंटरमीडिएट की क्रिस्टल एनर्जी कम है और रिएक्टेन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी ज्यादा है तो इस केस में अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर आपको मिला जिसमें रिएक्टेन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू है किसके कंपैरिजन में आपकी इंटरमीडिएट की कंपैरिजन में उस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे आप बोलेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स सिंपल सी बात है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझा सकते हैं ठीक है थीके? अब अब मैं आपको ना एक टेबल से समझाती हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू से कैसे पता चल रहा है कंपाउंड आपका लाइबल नेचर का या फिर इनर्ट नेचर का है ओके तो देखिए ना आपको क्या करना है दो टेबल दिखा रही है ये जिस आपको समझाने के लिए ठीक है तो आपका एक टेबल क्या है ये आपको एस एन वन रूट की बात कर रहा है यानी कि इस केस में वो कॉम्प्लेक्स वो इंटरमीडिएट लिंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा फाइव क्योंकि आपको पता है एस एन वन रूट में आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव ही होगा ओके okay? और दूसरी टेबल जो मैं आपको दिखाऊंगी ये टेबल किसके लिए एस एन टू रूट के लिए यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट बना उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सेवन ओके okay? तो अभी दिखा क्या रहा है एक बार मैं आपको समझा देती हूँ देखो ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है ये यहाँ पर कॉन्ट्रोगेशनेशन किसका आपका जो ऑक्ट्राहेडर कॉम्प्लेक्स है तो आपको उसमें क्या दिखा रहा है उसका कॉन्फ्रोगेशन यानी कि डी जीरो मतलब कि आपका जो ऑक्ट्राहेडर कॉम्प्लेक्स है उसके डी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जीरो है ओके है, okay? तो आप सी एफ्टी में ये चीजें तो पढ़ चुके हैं ना डी वन मतलब की आपके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है डी टू मतलब दो तो इलेक्ट्रॉन है डी थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहां पर जो मैंने टेबल बनाई है ये हाई स्पिन की

और दो ऊपर आता है ये है आपका टी टू जी ऑर्बिट ये है आपका ई जी ऑर्बिट तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो वन टू तीन यहां जाएंगे थ्री यहां जाएगा फोर्थ मैं क्या बोल रही हूँ हाई स्पिन ले रखा है फोर्थ मतलब आपका इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके यहां आएगा ओके तो ये कॉम्प्लेक्स की बात मैं कर रही हूँ समझ मारा डी वन कह रही हूं तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन फूटा है इस पर देखो आपके डी ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन है अगर मैं डी वन की बात करी डी टू की बात करूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ d3 की बात कर रही करिए तो यहाँ d4 फोर हाई स्पिन कहोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा d4 फोर लो स्पिन कहूंगी तो इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर जाने की बजाय कहाँ आ जाएगा नीचे ही आ जाएगा समझ पा रहा तो ये चीज तो मैं CFT में पढ़ा चुकी हूँ ना वही चीज यहाँ पे बोल रहा है ठीक है तो देखो क्या बोल रहा है d4 ये हो गया d5 ये d6 समझ में इतनी चीज अगला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये दिखा रहा है आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना आपका कौन सा जिसे आप क्या से कर रहे हैं बोल रहा है D0 क्रिस्टल energy की D1 की 4, D2 की होगी ये ये लिख दी ओके और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेकिन किसकी है ये है आपकी आपके जो इंटरमीडिएट बना आपका एस एन टू में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ओके और ये जो तो वैल्यू है ना ये आपकी ओरिजिनल यानी कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट की क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी को जब आपने माइनस किया तो जो टोटल आया वो है ये, ओके? तो ये दिखा रहा है गेन और लॉस जैसे अगर आपकी देखो अगर आपकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो माइनस में मा आएगी तो उस केस में देखो आपने क्या किया यहां पर डीवन में देखा तो

ये माइनस में ये लेबाइल है ये जीरो है ये लेबाइल है अगर ये भी माइनस में तो ये भी लेबाइल है लेकिन अगर ये प्लस में आ गई तो ये बन जाएगी इनर्ट सिंपल सी बात है ये चीज माइंड पे रख लीजिएगा ठीक है अगर आप बनाना चाहते हैं तो दो तीन एग्जांपल देखिए टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर भी खुश हो जाएगा ओके अब आगे बढ़ते हैं ठीक है ठीके? तो ये मैंने थ्योरी पे लिखा हुआ है कि आपका कौन कौन से कॉम्प्लेक्स आपके क्या इनर्ट बन रहे हैं कौन से लेबाइल बन रहे जो मैंने समझा है उसी को मैंने थ्योरी पर लिखा आपके लिए नोट पर्पज में काम आएंगे ओके अगली टेबल आपको क्या दिखा रहा है अगली टेबल आपको दिखा रहा है यही कि यहाँ पर को वही चीज है कॉन्फ्रुगेशन आपका क्या है ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स ML6 क्या क्या यानी कि जो आपका रिएक्टेड मॉलिक्यूल है उसकी क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग एनर्जी सी ये क्या है आपका जो पेंड हेप्टा यानी कि आपका एस एन टू रूट से जा रहा है तो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा जिसका कॉर्डिनेशन नंबर क्या होगा 7. तो उसकी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू जो कैलकुलेटेड है वो यहाँ लिखी हुई है ओके अब ये आपकी ओवरऑल आई जब आपने इससे इसको माइनस किया तो आपकी वैल्यू ये आई ठीक है तो जी जीरो को छोड़ो जीरो में तो आपका लेबाइल ही होता है अब आप देखो अगर आप डी वन की बात करेंगे तो डी वन में आपका ऑक्ट्राह की वैल्यू क्या होती है माइनस फोर ओके लेकिन अगर जो इंटरमीडिएट है देखो इसमें भी माइनस रही थी ना ये आपके ऑक्टा की वैल्यू कितनी है माइनस फोर है लेकिन अब आपका इंटरमीडिएट पहले क्या था पेंटा वाला था अब हेप्टा वाला है तो आपकी ये वैल्यू भी शिफ्ट होगी माइनस फोर माइनस कितनी थी फोर पॉइंट फाइव सेवन अब ये कितनी होगी माइनस सिक्स पॉइंट जीरो एट ओके तो अगर आप इससे इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या निकल रही है माइनस में मैंने क्या बोला अगर वैल्यू माइनस में निकल रही है तो समझ जाइए कि आपका कॉम्प्लेक्स लेबाइल नेचर का है यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसकी इस कॉम्प्लेक्स की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी अगर ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास इस कॉम्प्लेक्स की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी ओके okay? तो वही अगर ये माइनस वाला है तो लेबाइल है आप देखो ये प्लस में आगे इसका मतलब ये इनर्ट। ये होगा ये होगा ये भी लेबाइल होगा सिंपल सी बात है ये चीज आप समझ सकते हैं ठीक है ठीके? अब ये समझ में आए तो ये ही होता है आपका लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमने तो दोनों की हेल्प से समझ लिया अब मैं आपको बताती हूँ वो फैक्टर्स जो आपकी लेबिलिटी को और इनर्टनेस को वरी कर सकते हैं अफेक्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो देखिए यहाँ पर को ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया सुधार लीजिएगा ठीक है मतलब आपकी पीडीएफ में तो सही होगा यहाँ पर को थोड़ी मिस्टेक ये बोल रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कानेटिक स्टेबिलिटी ऑफ ए लेबिलिटी ऑफ ए नॉन ट्रांजिशन मैटर कॉम्प्लेक्स तो आपका अगर कॉम्प्लेक्स लेबाइल नेचर का है यानी कि आपको पता चल गया कि आपको मैंने एक ऑक्ट्रेडल कॉम्प्लेक्स दिया ये ओके और मैंने बोला कि ये लेबाइल नेचर का यानी कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है की को कर देते। तो फैक्टर्स क्या है अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं ठीक है ठीके? तो देखो यही मिस्टेक कह रही है ये देखो ये ऊपर आ गया ठीक है ठीके? पता नहीं कैसे आया ठीक है ठीके? तो फिर भी इस हम इसे छोड़े हमें इससे क्या करना है ठीक है तो अब आगे बढ़िए तो कौन कौन से फैक्टर्स है पहला फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ पहला फैक्टर बोल रहा है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम अगर आपके सेंट्रल मेटल एटम के के ऊपर चार्ज आ गया तो उस केस में क्या होगा आपकी लेबिलिटी बढ़ेगी या फिर लेबिलिटी कम होगी तो यहां बढ़ते हैं ये बोल रहा है द लेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन अ सेंट्रल मेटल एटम अगर आपके किसी भी ऑक्ट्राहडर कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज बढ़ गया यानी कि मैं यहाँ पर बोलू एमएल सिक्स आपका एक ऑक्ट्राहा कॉम्प्लेक्स है अगर इस एम के ऊपर जो मेटल है ना इसके ऊपर मैं चार्ज बढ़ा रही हूं ओके okay? तो जितना ज्यादा इसके ऊपर मैं चार्ज बढ़ाऊंगी तो इस कॉम्प्लेक्स की लैबिलिटी मतलब रिएक्टिविटी ओके इनर्टन इनर्टनेस मतलब अनरिएक्टिविटी अब मैं इसे रिएक्टिविटी तो बोल सकती हूँ ना तो इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी क्या होगी उतनी ही ज्यादा कम होगी तो कैसे होगी मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ क्योंकि आपको पता है आप क्या करते हैं मेटल से आपको क्या ये मेटल ऑक्ट्राहैडल है सपोज मैंने दिखा दिया ऑक्ट्राहैडल ओके यहाँ जुड़े हुए सारे लिगेंड्स ओके okay? अब आपने यहाँ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब आपने यहाँ से एक लिगेंड को तोड़ना है ये तो भी लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरे लिगेंड को यहां जोड़ना है ओके अगर आपका ये मेटल के ऊपर आप चार्ज को बढ़ा देंगे तो क्या ये लिगेंड इससे टूटना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं टूटना चाहेगा, क्यों क्योंकि देखिए लिगेंड जो आपकी स्पीसीज है वो एक नेगेटिव स्पीसीज है आपको पता है लिगेंड हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है आपने कभी भी लिगेंड ऐसा नहीं दिखा होगा लिगेंड हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको ठीक है है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि लिगेंड एक नेगेटिव है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है बहुत नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कौन सी स्पीसीज चाहिए नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए और आप यही काम तो कर रहे हैं आप अपने मेटल के ऊपर पॉजिटिविटी को यानी कि चार्ज को बढ़ा रहे हैं ओके तो जैसे जैसे आप मेटल के ऊपर चार्ज को बढ़ाएंगे तो लिगेंड उतना ही ज्यादा उस

ठीक है बात खत्म ओके okay. लेकिन अगर आपने यहां पर को फिर भी तोड़ दिया लेकिन अगर आपने मेटल के ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया अब लिगेंड के तो बल्ले बल्ले होगी इसको तो क्या है दो पॉजिटिव चार्ज वाली मिल अब तो ये बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ेगा अगर तीन पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो तो फिर तो लिगेंड छोड़ेगा ही नहीं तो वही चीज है अगर ये बॉन्ड छोड़ेगा ही नहीं तो रिएक्शन होगी कैसे मतलब की अगर लिगेंड यहाँ से इसका साथ छोड़ेगा ही नहीं तो लिगेंड डिस्प्लेस कैसे होगा और रिएक्शन को आप कैसे बोलेंगे लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहे हैं तो लिगेंड को तो डिस्प्लेस करोगे लेकिन लिगेंड डिस्प्लेस होगा तब ना तो मेटल ऊपर अगर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे लिगिट उतना ही ज्यादा उससे अट्रैक्ट होगा ना कि उससे बॉन्ड तोड़ेगा तो वही दिक्कत हो जाती है अगर आपने अपने कॉम्प्लेक्स के मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया तो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं मतलब कॉम्प्लेक्स में क्या है बॉन्ड टूटेगा ही नहीं और आप बोल सकते हैं लेबिलिटी जिसे आप बोलते हैं रिएक्टिविटी आपके कॉम्प्लेक्स की क्या होगी बहुत कम हो जाएगी यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बहुत कम क्यों क्योंकि बॉन्ड टूट ही नहीं रहा बॉन्ड को तोड़ने में बहुत मेहनत जिसमें जिसे बॉन्ड को तोड़ने में आप ऐसा सोच सकते हो एक दिन लगता था उसे वर्षों लग गए तो देखो रिएक्शन कितनी लंबी चले

लेकिन यहां अगर आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री सिलिकन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू फॉस्फोरस की प्लस वन और सल्फर की जीरो ओके okay. इसका मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर थ्री पॉजिटिव चार्ज है सिलिकिन के ऊपर दो इसके ऊपर एक और इसके ऊपर जीरो तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना सिंपल होगा ये वाला बॉन्ड तोड़ना सिंपल होगा क्यों क्योंकि कोई चार्ज नहीं है आप लिगेंड को तोड़ना चाहते हैं तो ये मेटल बोलेगा कि ले जाओ ओके okay. मेटल ले जाओ कहेगा मेटल के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा फिर भी ये देखिए दे देगा ओके okay. लेकिन ये नहीं देगा ये कैसे नहीं देगा लिगेंड जाना ही नहीं चाहेगा क्योंकि इससे तो एल्यूमिनियम मिल गया जिसके ऊपर तीन पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसकी और अट्रैक्ट होगा बॉन्ड टूटेगा नहीं इसका मतलब सबसे ज्यादा लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स ये ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखा है आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे मैं इसे इरेज कर देखो तो सबसे ज्यादा लेबाइल क्या होगा ये होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसकी होगी

तो क्या होगा यहाँ पर को वाटर को एक्सचेंज करना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा वाटर को निकालना इजी हो जाएगा क्योंकि वाटर भी तो एक टाइप का लिगेंट है आपको पता है ना वाटर भी एक टाइप का लिगेंट है तो यहाँ आपको वाटर को निकालना इजी पड़ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ जो आपका मेटल है सोडियम है इसके ऊपर प्लस वन का चार्ज है लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस थ्री का चार्ज है तो वाटर निकलने से ज्यादा तो अट्रैक्ट हो जाएगा तो निकालना क्या होगा डिफिकल्ट हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर को लेवाइल कम हो जाएगा यानी कि इसकी लेबिलिटी कम हो जाएगी इसे आप बोलेंगे इनर्ट होगा आपका लेबाइल समझ में तो यही चीज है ठीक है अगला फैक्टर क्या है अगला है आपका रेडियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रेडियस ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम कैसे अफेक्ट कर है ये बोल रहा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देखो इट हैज बीन आल्सो ऑब्जर्व दैट स्टेबिलिटी ग्रेटली डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ अ मेटल सेंटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ये बोल रहा है कि जो आपका मेटल है मेटल जो आपके सेंट्रल में प्रेजेंट है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की उसकी रेडियस भी आपकी क्या है स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है यानी कि वो कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा या फिर क्या होगा इनर्ट होगा ये किस पे भी डिपेंड रहता है आपके जो मेटल जो आपका सेंट्रल पे प्रेजेंट है उसकी रेडियस पे कैसे तो ये बोल रहा है एज द रेडियस ऑफ अ मेटल आइन डिक्रीज जैसे जैसे आपकी मेटल आयन की रेडियस क्या होगी डिक्रीज होने लगेगी लेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स डिक्रीज यानी कि आप बोल सकते हैं जितनी ज्यादा आपकी मेटल की रेडियस बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा आपके कॉम्प्लेक्स की लैबिलिटी यानी कि रिएक्टिविटी बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ठीक है तो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर को क्या है एक एस आर आपका सेंट्रल मेटल रहता है दूसरे में सी ए है तीसरे में में ओके, okay? तो 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 आपका क्या क्या होता है? होता है? है? है ठीक आप भी नहीं हम तो यूद में यूद, मतलब डेली लाइफ में मतलब लाइफ में क्या हम लोग जब ये केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो स्ट्रॉन्टियम वगैरह तो यूज भी नहीं करते, तो सोचो इसकी रेडियस ये कहाँ नीचे बिलोंग करता होगा पीरियोडिक टेबल पे? तो इसकी रेडियस कितनी ज्यादा होगी ओके okay? दूसरा है कैल्सियम ओके okay? अगला है आपका मैग्नीशियम अब देखो अगर आप तीनों की रेडियस देखोगे तो इसकी रेडियस का रेंज कितना है 1.13 इसका है 0.99 इसका है 0.65 पॉइंट ओके तो देखो इनकी रेडियस में कितना ज्यादा डिफरेंस है ओके तो इसकी रेडियस आपकी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है ओके तो हमने यहाँ क्या पढ़ा अगर मेटल की रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसकी लेबिलिटी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी अब आप देख सकते हो यहाँ पर को कोई चार्ज का फैक्टर भी नहीं लग रहा कोई लिगेंड का फैक्टर भी नहीं लग रहा क्योंकि लिगेंड भी इसमें क्या है सिक्स एस टू है इसमें भी सिक्स एस टू इसमें भी सिक्स एस टू

लास्ट फैक्टर है आपका ज्योमेट्री ऑफ ज्योमेट्रीक्ट कॉम्प्लेक्स तो देखो ज्योमेट्री कैसे आपको अफेक्ट कर सकती है यानी कि ज्योमेट्री कैसे बताएगी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल नेचर का है या फिर इनर्ट बिहेवियर शो करने वाला है ठीक है तो ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी आपका फोर कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है स्क्वायर प्लेनर भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के फोर होते हैं लेकिन इनकी जो आपको पता है ना टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री आपको कुछ ऐसी मिलेगी देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेकिन स्क्वायर प्लेनर क्या है कुछ स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री आपको मिलेगी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है बट स्क्वायर मतलब की ज्योमेट्री अलग अलग है ओके okay? तो ये बोल रहा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है जिसका एग्जाम्पल है टेट्राहेड्रल इन स्क्वायर प्लेनर ये रिएक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा रैपिडली यानी कि बहुत अच्छे से

ये वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो मेटल है मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है चार बॉन्ड बना रहा है इसमें भी मेटल चार बॉन्ड बना रहा है इसमें मेटल कितने बॉन्ड बॉन्ड बना बना रहा है? बना रहा है है सिक्स तो ये आपके क्या है ये है, ये 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 टेट्राहेड्रल है 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 स्क्वायर प्लेनर आपका क्या ओके अब ये बोल रहा है कि इन दोनों के कंपेयर देखो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है ना ये दोनों बहुत जल्दी रिएक्शन शो कराएंगे कंपेयर टू दिस यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपकी इनर्ट कंसिडर होंगे कंपेयर टू दिस सॉरी लेबाइल कंसिडर होंगे कंपेयर टू दिस यानी कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स को आप लेबाइल कंसिडर कर सकते हैं इसे क्यों? क्योंकि पहली रीजन तो यह है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में आपको हिंड्रेंस नहीं मिलेगा हिंड्रेंस मतलब कि आपके बल्कि अगर आपने यहां कोई ग्रुप लगा दिया सपोज मैंने लिगेंड यहां पर वाटर लगा दिया ओके okay, वाटर को भी अगर मैं खोल के लगाऊ ना तो आपका वाटर क्या होगा ओ एच एच ओके यहाँ पे भी ओ एच एच ओ एच एच ओ एच है देखो यहाँ पर को ग्रुप आपके थोड़ा बल्कि है वाटर भी थोड़ा बल्कि ग्रुप है ठीक है तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर को प्रेजेंट है अब देखो यहाँ पर को चार बल्की ग्रुप लगे उसके बावजूद भी यहाँ पर को बल्कि ग्रुप जो है एक दूसरे को रिपल्शन नहीं शो करा रहे लेकिन अगर यहाँ पर को मैं वाटर लगा लू ना ओ एच एच यानी कि ये ग्रुप कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा यहां पर को भी दूसरा ग्रुप कुछ ऐसा आ जाएगा वाटर ऐसा आएगा अब देखो ये दोनों कितने क्लोज आ गए इसका मतलब ये दोनों ग्रुप आपको रिपल्शन फील कराएंगे मतलब आपकी वाटर को रिपल्शन फील कराएंगे तो पहला रीजन ये है कि अगर आप कोई टेट्रा मतलब कि कोई टेट्रा यानी कि कोई फोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट कंपाउंड लेंगे यानी कि फोर कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेंगे चाहे टेट्रा लीजिए चाहे स्क्वायर प्लेनर लीजिए इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या है आपको हिंड्रेंस फील नहीं होगा तो यहाँ देखिए यहाँ भी देखो चारों अलग अलग कॉर्नर्स में तो जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें हिंड्रेंस फील नहीं होगा लेकिन ऑक्टा के केस में होगा पहली चीज समझ में आए दूसरी चीज ये है कि अगर आपका लिगिन अटैक कर रहा है तो उसके पास अगर आपने बाहर से कोई लिगिन को अटैक करा है तो इसके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल साइड है देखो यहाँ पर को अभी आप बहुत सारी साइट में लिगिन को ऐड करा सकते हैं इसमें और इसमें लेकिन यहाँ पर तो सारी साइट ऑक्यूपाइड है किसकी वजह से ये बचे हुए लिगेंड जो आपकी मेटल के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है इन लिगेंड्स ने सारी साइट को ऑक्युपाई कर रखा है अब मैं बाहर से कोई लिगेंड को यहाँ अटैक कराना चाहूं तो यहाँ पर कोई अटैक कराना डिफिकल्ट हो जाएगा तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि आपका वो कॉम्प्लेक्स जिनका कॉर्डिनेशन नंबर कम होता है वो आपके क्या होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होता है यानी कि वो कॉम्प्लेक्स को आप लेबाइल कंसीडर कर सकते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जिसका कॉर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है उन कॉम्प्लेक्स को आप इनर्ट कंसीडर कर सकते हो तो रीजन पता चला एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से दूसरा होता है आपकी अटैकिंग साइड की एबिबिलिटी की वजह से यानी कि आपको यहाँ पर को बहुत ज्यादा अटैकिंग साइट अगर आप बाहर से क्या है दूसरे लिगिन को अटैच कराना चाहते हो तो यहाँ पर को अटैकिंग साइड आपको मिलेंगी ओके यहां भी मिलेंगी लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे ओके तो ये बन जाता है रीजन की आपकी ये दोनों कॉम्प्लेक्स जिनका कॉन्डिनेशन नंबर कम है वो आपको क्या कंसिडर हो रहा है वो आपके होते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स यानी कि रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स आपके होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स समझ में तो ये हो गया जोमेट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स समझ में तो ये था हमारा लास्ट यूनिट तो देखो ये था हमारा लास्ट स्लाइड तो ये था आज के लेक्चर पे हमने बात की इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स पे समझ में है होप आपको समझ में है देखो आपको चीजें ना और अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप चीजों को सीरीज से पढ़ेंगे देखो वरना मैं भी पागल तो हूं नहीं मैं भी उठाती कोई भी टॉपिक पढ़ा ले जाती थी कि मुझे क्या करना है मेरे को तो समझ में आ रहा आपको है आपको चाहे आए या ना आए ओके लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती देखो मैं पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हैं अपना टाइम दे रहे हैं तो आपको भी समझ में आना अच्छे तो तभी मैं चीजों को क्या अपने अकॉर्डिंग देखो हर चीज आपके जैसे लिखा है उस अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता चीजों को अपने अकॉर्डिंग भी ढालना पड़ता है ठीक है तो हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे किस सीरीज से हमें पढ़ना होगा हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मैं उसी सीरीज से आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि ऐसा हो क्यों रहा है ठीक है तो आप इस सीरीज से पढ़िए आप इनर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो अगर आपने ये लेक्चर फिफ्थ देखा है तो इससे पहले के चार लेक्चर देखे होने चाहिए ठीक है तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी ठीक है तो होप आपको समझ में आया होगा आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे मैं ऐसा ही सोचती हूँ क्योंकि आप नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर करा रही हूँ प्रॉपर नोट्स शेयर हो रहे हैं तो आपको लेक्चर्स भी प्रॉपर देखने चाहिए ठीक है तो अभी लेक्चर को हम फिनिश करेंगे मिलेंगे लेक्चर नंबर सिक्स पे तो बात करेंगे लेक्चर नंबर सिक्स पे किसकी जिसकी भी करेंगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय